पुराण महाभारत में पांचवा अध्याय चंचुला के प्रयत्न से पार्वती जी की आज्ञा पा करके तुम्बुरा का विंध्य पर्वत पर शिवपुराण की कथा सुना करके बिंदु का पिशाच योनि से उद्धार करना तथा उन दोनों दंपत्ति का शिवधाम में सुखी होना। सूतो हुआ सूती कहते हैं सौनक, एक दिन परमानंद में निमग्न हुई चंचला ने हुआ देवी के पास जाकर के प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़ करके वह उनकी स्तुति करने लगी। चंचला बोली, गिरिराज नंदिनी स्कंद माता उमें, मनुष्यों ने सदा आपका सेवन किया है, समस्त सुखों को देने वाली शंभु प्रिय आप जो है ब्रह्म स्वरूपिणी हैं, विष्णु और ब्रह्मा देवताओं द्वारा सेव्य हैं, आप ही सगुणा और निर्गुणा है तथा आप ही सूक्ष्मा सच्चिदानंद स्वरूपिणी आद्या प्रकृति हैं, आप ही संसार की सृष्टि पालन और संहार करने वाली हैं, तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर इन तीनों देवताओं का आवास स्थान था उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही हैं। सूतोवाच सूत जी कहते हैं सौनक, जिसे सतगति प्राप्त हो चुकी थी वह चंचला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ कर आए थे। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्तोत्सव पार्वती देवी ने चंचला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहा। पार्वती बोली, सखी चंचले सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो क्या वर मांगती हो, तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी आधेय नहीं है। चंचला बोली, निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ है, उनकी कैसी गति हुई है यह मैं नहीं जानती हूँ। कल्याणमयी दीनवत्सले, मैं अपने उन पतियों से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूँ वैसा ही उपाय कीजिए। महेश्वरी महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति वैश्य के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे, उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गई थी, न जाने वह किस गति को प्राप्त हुए हैं। गिरिजा बोली, बेटी तुम्हारा बिंदु नाम वाला पति बड़ा पापी था, उसका अंतःकरण बड़ा ही दूषित था, वैश्य का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा है। अगणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोग करके वह पापात्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए विंध्या चल पर्वत पर पिशाच हुआ है। इस समय वह पिशाच अवस्था में ही है और नाना प्रकार के क्लेश उठा रहा है। वह दुष्ट वहीं वाय पी करके रहता है और सदा ही सब प्रकार के कष्ट खाता है। शिव जी कहते हैं सौनक, गौरी देवी की आवाज़ सुनकर के उत्तम व्रत का पालन करने वाले चंचला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा। चंचला बोली, महेश्वरी महादेवी मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए। देवी कुत्सित बुद्धि वाले मेरे पति को सदगति प्रदान करिए, उस पापात्मा का जो भी अपराध है क्षमा करिए। पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है वह शीघ्र बताइए, आपको नमस्कार है। पार्वती ने कहा, तुम्हारा पति एक शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का हरचन आदर पूर्वक सुनकर के चंचला ने हाथ जोड़ मस्तक झुका करके उन्हें बारम्बार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से यह प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिवप्रिया गौरी देवी को बड़ी दयाई उन भक्तोत्सला महेश्वरी गिरिराज कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बुर को बुला करके उनसे प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार कहा। तुम्बुरो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है, तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभीष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो तुम मेरी सखी के साथ शीघ्र ही विंध्याचल पर्वत पर जाओ, वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है, उसका वृत्तांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नतापूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदु नामक ब्राह्मण था, मेरी सखी चंचला का पति था,
परंतु अदृष्ट वेश्यागामी हो गया। स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़ करके अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मूर्ता छा गई थी। वह कर्तव्य कर्तव्य का विवेक नहीं कर पाता था कि अभक्ष भक्षण सज्जनों से द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान लेना यही उसका जो है स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर के हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दोनों को सताता और जो दीन दुखियाँ हैं उनको मारता पीटता था। क्रूरतापूर्वक प्राय घरों में आग लगा देता था। चांडालों से प्रेम करता था और प्रतिदिन वह वेश्या के संपर्क में रहता था। बड़ा दुष्ट था वह पापी। अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संग ही आनंद मनाता था। वह मृत्यु पर्यंत दुराचार में ही फंसा रहा और अंत काल आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुर में गया और वहाँ बहुत से नरकों का उपभोग करके वह दुष्टात्मा जीव इस समय विंध्याचल पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वहीं यह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यत्र पूर्वक शिव पुराण की इस दिव्य कथा का प्रवचन करो। जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है शिव पुराण की कथा का श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। उससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि का प्रत्याग कर देगा। उस दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदु नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बैठा करके तुम भगवान शिव के समीप ले जाओ। शिव जी कहते हैं सौनक महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तुम्बुर ने मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य को सराहना की कि तत्पश्चात उसने पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचला के साथ विमान पर बैठ कर के नारद के प्रिय मित्र तुम्बुर वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए जहाँ वह पिशाच रहता था। वहाँ उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशालदार ढोड़ी बहुत बड़ी हुई थी। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली तुम्बुर ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को पांसों द्वारा बांध लिया। तदंतर तुम्बुर ने शिव पुराण की कथा बांधने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान पर मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोगों में बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से पिशाच का उद्धार करने के लिए उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुम्बुर विंध्य पर्वत पर गए हैं। फिर तो उस कथा का को सुनने के लिए लोग से युक्त देवर्षि भी शीघ्र ही वहाँ जा पहुँचे। आदरपूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए वह आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर तुम्बुर ने उस पिशाच को पासों से बांध करके आसन पर बिठा करके और हाथ में पीड़ा लेकर गौरीपति के कथा का गान आरंभ कर दिया। पहले अर्थात विश्वेश्वर संहिता से लेकर सातवीं वायु संहिता तक महात्म्य सहित शिव पुराण की कथा को उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। सातों संहिताओं सहित शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके वह सभी श्रोता पूर्णतः कृतार्थ हो गए और उस परम पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर के उस पैशाचिक शरीर को त्याग दिया। फिर तो शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया, अंग कांति गौरवर्ण की हो गई, शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार के जो है पुरुषोचित लक्षण दिखाई पड़ने लगे और नाना प्रकार के आभूषणों से अलंकृत होकर के उसके अंगों में उद्भासित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। इस प्रकार दिव्यधारी होकर के उस श्रीमान बिंदु अपने प्राण बल्लभाबू चंद्रा के साथ वह स्वयं ही पार्वती बल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देखकर वह सभी देवर्षि बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परमानंद हो गया और परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का यह अद्भुत चरित्र सुनकर वह सभी श्रोतागण प्रमुखता हो गए। प्रेम पूर्वक श्री शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदु भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के साथ बैठ करके सुखपूर्वक आकाश में स्थित हो बड़ी शोभा पाने लगा। तदंतर महेश्वर की सुंदरी मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपनी पत्नी प्रियतमा तथा तुम्बुर के साथ शीघ्र वहाँ ही शिवधाम में जा पहुँचा। वहाँ भगवान शिव बहुत संगम महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्नतापूर्वक बिंदु का बड़ा सत्कार किया और
से अपना पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सखी हो गई। उस घनी भूत ज्योति स्वरूप परमानंदमय सनातन धाम में अचल निवास पाकर वे दोनों दंपत्ति परम सुखी हो गए। बोली हर हर महादेव की जय।